मैच लगता है सेट होगा, सेट ही भैया लगता है। दिखाना जरा लास्ट, ओके लिसन प्लीज, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 33। हां जी चलिए देखिए उस क्वेश्चन को। ओके, एरीज लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ रुपीज 10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इट हैज रुपीज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। द फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल्स। पहली इंफॉर्मेशन है डेप्ट इक्विटी मिक्स 30% 70%। तो आपको जितने भी फंड चाहिए 30% आप डेप्ट से लाओगे और 70% आप इक्विटी से लाओगे, यही इस इंफॉर्मेशन का मतलब है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू रुपीज 1,80,000, बियॉन्ड रुपीज 1,80,000, अर्निंग्स पर शेयर एट प्रेजेंट रुपीज 4। नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है, डिविडेंड पे आउट 50% ऑफ अर्निंग्स। इसका मतलब कि जितना भी हम अर्न करते हैं उसका 50% हम डिविडेंड दे देते हैं। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड 10%, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज 44, टैक्स रेट 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर वन डिटरमिन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। ओके, बाकी पॉइंट बाद में देखेंगे, लिखेगा नंबर वन, नंबर वन लिखेगा। नंबर वन की हेडिंग है डिटरमिनेशन ऑफ द पैटर्न, डिटरमिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फंड्स, डिटरमिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फंड्स। वैसे आप बताएंगे कि आपको एडिशनल फंड्स चाहिए कितने, 10 लाख। तो सवाल हमसे यह पूछा गया है कि ये जो हमको 10 लाख रुपए चाहिए हम इसको अरेंज कैसे करें। हां जी, तो हमको चाहिए टोटल फंड्स रुपीज 10 लाख, हम इसको कैसे अरेंज करें। डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, ओके, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग से कितने फंड्स लाने हैं, 30% वैसे कितने हुए रुपीज 3 लाख, और इक्विटी फाइनेंसिंग से कितने लाने, 70% कितने हुए 7 लाख।
चले, 3 लाख रुपए डेट फाइनेंसिंग से ले आते हैं और 7 लाख रुपए इक्विटी फाइनेंसिंग से ले आते हैं। पर ये भी कैसे अरेंज होंगे, इसका भी तो पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हमें एसी चला दें जरा, ये दोनों से। जैसे हमें डेट के बारे में कहा गया है अप टू रुपीज 1,80,000 एट रेट ऑफ 10% एंड बियॉन्ड रुपीज 1,80,000 एट रेट ऑफ 16%। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, अप टू रुपीज 1,80,000 एट रेट ऑफ 10%। जो पहला 1,80,000 का लोन होगा वो 10% के रेट पर लिया जाएगा। और क्या लिखें, बैलेंस, बाकी लोन कितना होगा, वैसे 1,20,000 पे, ये किस रेट पर लिया जाएगा, 16% के रेट पर। चलिए, ये हमने बात को ठीक ढंग से कह दिया ना, पहला 1,80,000 का लोन और बाकी बचा 1,20,000 का लोन, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया। अब आइए आप इक्विटी फाइनेंसिंग पर, 7 लाख रुपए इक्विटी फाइनेंसिंग से चाहिए। आप एक बात बताइए, क्या आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपकी कोई मदद कर सकता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपकी कितनी मदद कर सकता है? रुपीज 2,10,000। लेकिन 2,10,000 रुपए सफिशियंट नहीं, अभी आपको रुपए और भी चाहिए। और अब आप रुपए किससे मांगोगे, न्यू इक्विटी शेयर्स से। बताइए, न्यू इक्विटी शेयर से आप कितने रुपए मांगेंगे? रुपीज 4,90,000। तो मेरे ख्याल से एक डायग्राम के थ्रू हम ये बात कहने में कामयाब हुए हैं कि हम अपने फंड्स को किस तरीके से अरेंज करेंगे। क्या हमने क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर दिया है? आइए क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, टू डिटरमिन पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स मींस आफ्टर टैक्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। ओके, हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। तो आपने कॉलम्स बनाए, डेट, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ डेट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। डेट, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ डेट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। एक को मैं कह रहा हूं डेट फर्स्ट, दूसरे को मैं कह रहा हूं डेट सेकंड। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कह रहे हैं डेप्ट वन और डेप्ट टू। जो पहला डेप्ट है उसका अमाउंट कितना है, 1,80,000 रुपए। जो दूसरा डेप्ट है उसका अमाउंट कितना है, 1,20,000 रुपए। आप बताइए दोनों डेप्ट का टोटल कितना है, 3 लाख रुपए।
आइए हम इनके वेट्स असाइन करें, थ्री फिफ्थ एंड टू फिफ्थ, क्या ये हमने ठीक लिखा है? अगर आपने टोटल पांच रुपए का लोन लिया है तो तीन रुपए का लोन डेप्ट वन है और दो रुपए का लोन डेप्ट टू है। जो डेप्ट वन है उसका कॉस्ट कितना है? 10% बिफोर टैक्स, 16% बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 20%। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स 5% एंड 8%। सो दिस इज 3/5 मल्टीप्लाइड विद 5% एंड दिस इज 2/5 मल्टीप्लाइड विद 8%। आप मुझे इन सब का टोटल बताएंगे? 6.2%। वेल, मैं बात को यूं कहना चाहूंगा कि मैंने 3/5 डेप्ट लिया है 5% कॉस्ट पर, मैंने 2/5 डेप्ट लिया है 8% कॉस्ट पर, तो मेरी एवरेज कॉस्ट पड़ती है 6.2%। ओके, ये क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट हमने डील कर ली ना। अब आप आइए क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए, आप जिसे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कह रहे हैं ना, वो हमारी नजर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमें दो कैलकुलेशन करनी है। जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का रिटेन अर्निंग का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, और जब हम नए शेयर इश्यू करते हैं तो एक दूसरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। दोनों कैलकुलेशन में फर्क सिर्फ यह है कि जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन है वो मार्केट प्राइस पर बेस्ड होती है, और जो नए इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन है वो नेट प्रोसीड्स पर बेस्ड होती है। यही दोनों का फर्क है मेरे ख्याल से। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर बेस्ड है और न्यू नेट प्रोसीड्स पर बेस्ड है। अच्छा, D1 और ग्रोथ में कोई फर्क नहीं है, बस मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड्स का फर्क है। आइए पहले एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें। एक जगह क्वेश्चन कहता है अर्निंग पर शेयर एट प्रेजेंट ₹4, डिविडेंड पे आउट 50% ऑफ अर्निंग। अगर 4 रुपए की अर्निंग है तो उसका 50% हो गया ₹2, तो ₹2 का डिविडेंड हो गया। लेकिन क्या वो ₹2 का एग्जिस्टिंग डिविडेंड है? क्या वो ₹2 का लास्ट डिविडेंड है? मैं आपसे लास्ट डिविडेंड नहीं पूछ रहा हूं, अगला डिविडेंड पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन में एक जगह ग्रोथ रेट लिखी है 10%, तो इसका मतलब अगला डिविडेंड कितना मिलेगा? ₹2.20। ग्रोथ रेट तो खैर 10% है ही। अब आप ये बताइए एग्जिस्टिंग शेयर का आज मार्केट प्राइस कितना लिखा है? मार्केट प्राइस लिखा है ₹44। करिए कैलकुलेट, 15%। अब आप कैलकुलेट करें KE न्यू, D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस ग्रोथ रेट। D1 अभी भी वही का वही है, ₹2.20। ग्रोथ रेट वही है 10%। अब आप क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि नया इक्विटी शेयर किस प्राइस पर आप इश्यू करने जा रहे हैं, बताइए कैसे बताए? तो
नहीं लिखा हुआ तो 10 रुपए आप कैसे बता सकते हैं? 10 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू होगी। शेयर्स आजकल कहां फेस वैल्यू पर इश्यू होते हैं भाई? यस, इसका मतलब हम नया शेयर इश्यू करेंगे 44 पर। जब पुराना शेयर बाजार में 44 रुपए का बिक रहा है तो नया शेयर भी 44 में तो इश्यू होगा ना। जब इश्यू करेंगे तो 10 रुपए की फेस वैल्यू डाल देंगे, बाकी 34 रुपए का प्रीमियम डाल देंगे, वो सब दूसरी बात है, पर इश्यू तो 44 के रेट पर ही होगा। हमें एक शेयर इश्यू करके क्या मिलेगा? 44 रुपए। तो आंसर फिर वही आ गया। आप लिखिएगा, इस बात को हम लिख लेते हैं। It is assumed that new equity share. It is assumed that new equity share will be issued. It is assumed that new equity share will be issued at existing market price. New equity share will be issued at existing market price of rupees 44. चलिए क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट की तरफ आएंगे। लास्ट उन्होंने कहा जी जो नया प्रोजेक्ट आपके पास आया है आप इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए, और नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट को तो मार्जिनल कहा ही जाता है। तो चलिए लास्ट रिक्वायरमेंट और हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर मार्जिनल कैलकुलेशन करनी है तो आपको बुक वैल्यू वेट तो लेना ही पड़ेगा। हां जी, हम सोर्स में लिखना चाहेंगे, एक है डेप्ट फर्स्ट, दूसरा है डेप्ट सेकंड। डेप्ट फर्स्ट का अमाउंट है 1,80,000 रुपए, डेप्ट सेकंड का अमाउंट है 1,20,000 रुपए। उसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग का अमाउंट है 2,10,000, और लास्ट में है न्यू इक्विटी शेयर्स। न्यू इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना है? 4,90,000। अच्छा, टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 10,10,000 रुपए, ठीक है ना। तो जी इससे हमको यह पता चला कि नए प्रोजेक्ट के लिए जो 18% फंड्स है वो डेप्ट नंबर वन से अरेंज हो रहे, जो 12% फंड्स हैं वो डेप्ट नंबर टू से अरेंज हो रहे, 21% फंड्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की तरफ से आ रहे हैं, और 49% फंड्स जो है वो न्यू शेयर होल्डर्स की तरफ से आ रहे हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई ना कि कौन नए प्रोजेक्ट में कितने परसेंटेज पैसे डालने को राजी हो आ रहे हैं, अपनी किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं। जो डेप्ट वन है उसकी कॉस्ट तो आप यहां से पिक करिए, ये रही 5%। जो डेप्ट टू है उसकी कॉस्ट ये रही 8%। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसकी एक्सपेक्टेशन है 15%, और जो नया शेयर होल्डर है
उसकी एक्सपेक्टेशन भी है 15%। 12.36% भाई, अब इनकी उम्मीदों को हम ही लोगों को पूरा करना है, इसलिए हमें कम से कम कमाना होगा 12.36%। आइए हम इस बात को लिख लें। Hence, the investment in the new project. Hence, the investment in the new project must yield. The investment in the new project must yield 12.36%. The investment in the new project must yield 12.36% in order to be financially viable. In order to be financially viable. अब आप ये बताइए कि कंसेप्ट नंबर कौन सा लिखा जाए। कंसेप्ट नंबर ओके, कंसेप्ट नंबर सिक्स। कंसेप्ट नंबर सिक्स के ब्रैकेट्स में लिखेगा कैपिटल एसेट्स कंसेप्ट नंबर सिक्स के ब्रैकेट्स में लिखेगा कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM पेज नंबर 41 पर आएंगे। पेज नंबर 41, इस चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सीएपी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम इतनी देर से पढ़ ही रहे, सीएपीएम की फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। चलिए आइए लिखेगा, अकॉर्डिंग टू सीएपीएम according to CAPM comma the return obtained का मतलब होता है income which is earned and it is expressed in terms of percentage. Okay, the return obtained is computed with the help of following equation. The return obtained is computed with the help of following equation. हाँ जी, तो मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीद रखा है और आप जानना चाहते हो कि आप उस इन्वेस्टमेंट से कितने परसेंटेज कमाते हैं। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। वो फार्मूला कुछ एब्रीविएशंस में इस तरीके से है, हां जी, आप इस तरीके से लिखेगा, दिस इज आर एफ प्लस बी और ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ। हां जी, आर एफ का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न। देखिए, हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में जाएं
और स्टॉक मार्केट आप इसलिए जाएं क्योंकि आपको ऐसा लगे कि स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग 25% इनकम अर्न कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में 25% कई बार हो भी जाता है वैसे, कोई बैंक तो आपको 25% इंटरेस्ट देने से रहा, लेकिन स्टॉक मार्केट में 25% प्रॉफिट कमाया जा सकता। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मैं स्टॉक मार्केट नहीं भी जाता तो क्या अगर मैं बैंक में भी रुपए जमा करा दूं, या मैं पोस्ट ऑफिस में भी रुपए जमा करा दूं, या मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स भी क्यों ना खरीद लूं, तो भी क्या 10% इनकम कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? क्या मैं इसको कह सकता हूं बिना किसी रिस्क को लिए मैं 10% तो कमा ही सकता हूं? अगर मैं स्टॉक मार्केट जा रहा हूं तो मैं 10% कमाने के लिए नहीं जा रहा हूं, वो तो अगर मैं स्टॉक मार्केट नहीं भी जाता तो भी कमा लेता। अगर मैं स्टॉक मार्केट जा रहा हूं तो मुझे 10 नहीं 25% चाहिए। खैर, जब हम टर्म यूज करते हैं RF, इसका मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, बिना कोई रिस्क लिए जो कमाया जा सकता है उसे कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। अब आप लिखिएगा RM। मार्केट रिटर्न, जैसा कि आप कह रहे थे, अगर आप स्टॉक मार्केट में जाओगे तो 25% कमाओगे। इसका मतलब RM क्या है? 25% मार्केट नहीं जाओगे तो 10% कमाओगे, मार्केट जाओगे तो 25% कमाओगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि RM माइनस RF क्या है? एक्स्ट्रा इनकम, स्टॉक मार्केट जाने की एक्स्ट्रा इनकम। आप स्टॉक मार्केट 25% कमाने गए हो, स्टॉक मार्केट नहीं भी जाते तो 10% कमा लेते, तो आप स्टॉक मार्केट क्यों गए? एक्स्ट्रा 15% कमाने के लिए। RM माइनस RF, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। आप मार्केट में गए, आपने रिस्क लिया, जो मार्केट में जाएगा रिस्क लेगा उसे एक्स्ट्रा इनकम होगी, और एक्स्ट्रा इनकम को हम लोग कई बार प्रीमियम भी कहते। क्या ये बात सही? मेरे ख्याल से लगभग ये सारी बातें समझ में आ रही, बस एक टर्म यूज हो रहा है बी, ये टर्म रह गया। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए कि बी नाम का कोई टर्म है ही नहीं, तो क्या आपको लगता नहीं RF और RF कैंसिल हो रहा है? अगर बी नहीं है या बी को वन माना जाए तो RF और RF कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर RM नहीं आ जाएगा। इसका मतलब अब आगे की पढ़ाई जो है वो बी को समझानी पड़ेगी। आप लिखेगा बी इज इक्वल टू बीटा को एफिशिएंट। बीटा को एफिशिएंट, जैसे कोरिलेशन को एफिशिएंट होता ना, वैसे बीटा को एफिशिएंट होता है। और बीटा को एफिशिएंट जो है स्टॉक मार्केट में जब डिस्कशंस होते हैं तो बीटा पे सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाता है। बीटा बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ये कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन है। सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी के ऊपर होता है कि आखिरकार ये बीटा कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। खैर चलिए, आपने क्या लिखा? बी इज इक्वल टू बीटा कोएफिशिएंट। आप इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा बीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ, बीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी। बीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी इन ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी।
बीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी इन ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी एज कंपेयर्ड टू द वॉलेटिलिटी विच इज जनरली प्रिवेलिंग इन द मार्केट आगे लिखिएगा इफ बीटा ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इज मोर देन वन कॉमा इट मीन्स दैट द इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनी इज मोर वॉलेटाइल देन द मार्केट आगे लिखेगा इफ बीटा ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इफ बीटा ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इज लेस देन वन कॉमा इट मीन्स दैट द इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनी इज लेस वॉलेटाइल देन द मार्केट और आगे लिखेगा इफ बीटा ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इज वन इट मीन्स दैट द इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनी इज एज वॉलेटाइल एज द मार्केट देखिए स्टॉक मार्केट की नॉलेज जो है वो हमारे सिलेबस का इतना पार्ट होती तो नहीं है पर कभी कभी फिर भी हम अपनी तरफ से आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं तो आप समझिएगा स्टॉक मार्केट की नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एकेडमिकली नहीं भी है तो बाद में प्रोफेशनली तो होगी। अगर ये माना जाए कि जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो 10% बढ़ गया एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में तो क्या इसका मतलब ये कि जितने भी शेयर्स हैं उन सबके दाम 10% बढ़ गए? नॉट नेसेसरली। अगर क्लास के एवरेज मार्क्स को पता किया जाए अगर एवरेज मार्क्स 65 है तो क्या इसका मतलब ये कि हर स्टूडेंट के 65% मार्क्स आए? ऐसा नहीं है ना। सिमिलरली अगर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 10% बढ़ा है इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सभी शेयर्स के दाम 10% बढ़ गए। हो सकता कुछ शेयर्स के दाम 5% बढ़े होंगे, कुछ के 20% भी बढ़ गए होंगे और कुछ के हो सकता गिर भी गए होंगे। स्टॉक मार्केट के बढ़ने के बावजूद ऐसा हो सकता ना। यूं समझ लीजिए कि ये जो मैं बातें डिस्कस करने जा रहा हूं ये बीटा के कंटेक्स्ट में ही बातें डिस्कस हो रही है। मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जो ये कहती है कि देखो स्टॉक का इंडेक्स 10% बढ़ गया पर हमारे शेयर का दाम 20% बढ़ गया।
आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? हम इसका मतलब ये निकालेंगे कि आपकी कंपनी का बीटा है टू, डबल टू यानी डबल, टू यानी डबल। इसका मतलब आपके शेयर में जो हलचल होती है, वॉलेटिलिटी है, वो मार्केट के कंपैरिजन में डबल है। आपका बीटा बहुत मजबूत है, इसको बोलते हैं मजबूत बीटा। मजबूत बीटा का जो शेयर है ना, वो बड़ा काम का शेयर होता है बढ़ती हुई मार्केट में। अगर आपको लगता है कि अगला साल जो है वो बहुत अच्छा होगा, कंपनियों की सेल बढ़ेगी, कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर होना ही चाहिए जिसका बीटा बहुत मजबूत है। जैसे डीएलएफ का जो शेयर है उसका बीटा बड़ा मजबूत है, बढ़ती हुई मार्केट में वो मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। मार्केट 10 परसेंटेज बढ़ती है, इसका शेयर 20 22 25 परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन गिरती हुई मार्केट में भी ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। मार्केट 10 परसेंटेज गिरे, इसका शेयर 20 22 परसेंटेज गिर जाता है। तो इसका मतलब इसका मजबूत बीटा है। मजबूत बीटा जो है बढ़ती हुई मार्केट में फायदे का सौदा है, पर घटती हुई मार्केट में नुकसान का सौदा। अगर आपको लगता है कि अगला साल बहुत अच्छा है, तो फिर आप डीएलएफ का शेयर खरीद ही लो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इसका बीटा बहुत मजबूत है। यानी जितनी स्टॉक मार्केट में अप होगा, डीएलएफ में उसके मुकाबले डबल अप हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगला साल मंदी का दौर आने वाला है, हर तरफ बुरा ही बुरा होने वाला है, और अगर आपके पास डीएलएफ का शेयर है, तो फिर आप उसे बेच दो, फायदे में रहोगे बेचकर, क्योंकि मालूम है अगले साल बुरा दौर आएगा। इतना तो स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगा जितना डीएलएफ के शेयर का दाम गिर जाएगा, तो बेहतर है कि डीएलएफ का शेयर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं हो। तो क्या करें फिर, डीएलएफ का शेयर बेच के पैसे घर ले जाए? नहीं, कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये ऐसा नहीं करता। वो कहता है काम करते, डीएलएफ का शेयर बेचा, लगता है अगला साल बुरा होगा, तो उस कंपनी का शेयर खरीदो जिसका बीटा कमजोर है। उसका बीटा मान लीजिए 0.5 है, इसका मतलब है कि जितना स्टॉक मार्केट गिरेगा ना, ये भी गिरेगा, पर इसकी गिरावट स्टॉक मार्केट के मुकाबले आधी होगी। अगर मैं कमजोर बीटा का शेयर खरीदूंगा, तो इसका मतलब बुरे दिन तो मेरे आएंगे, पर मेरे उतने बुरे दिन नहीं आएंगे जितने स्टॉक मार्केट में बुरे दिन नॉर्मली आ जाते। इस पर आपकी एक दलील हो सकती है, जी फिर कमजोर बीटा का शेयर भी क्या खरीदना है, पैसे घर में रखो, है कि नहीं? पर आपकी ये सोच कितनी भी सही क्यों ना हो, ये ग्राउंड रियलिटी से परे है। कोई भी इन्वेस्टर जितना मर्जी मंदी का दौर क्यों ना आ जाए, वो पैसे घर नहीं लेके जाएगा, वो पैसे दुकान पे रखेगा। वो कहेगा मैं यहां पैसा नहीं लगाऊंगा तो वहां पैसा लगा देता हूं। पर एक सवाल उठेगा भी कि जब आपको मालूम है कि अगला साल मंदी का आएगा, तो आप कमजोर बीटा का शेयर भी क्यों खरीद रहे? इस पर हमारा जवाब यह है कि जी ये हमारा सिर्फ असेसमेंट है कि अगला साल बुरा हो सकता है, हम गारंटी थोड़ी दे रहे हैं कि अगला साल बुरा ही होगा। मान लीजिए अगला साल अच्छा हो गया तो फिर क्या होगा? स्टॉक मार्केट में अगले साल को स्पेकुलेट किया जाता है, अगला साल ऐसा होगा इस बात की गारंटी नहीं दी जाती है। कल को मान लो अच्छा साल, अगला साल अच्छा हो गया तो मार्केट में अपकी सिचुएशन होगी। तो अगर आपके पास कमजोर बीटा का शेयर होगा, तो आप कहोगे चलो कुछ तो कमाएंगे भाई। कमजोर बीटा का शेयर का मतलब क्या है? मार्केट अगर 1% ऊपर जाएगी तो ये आधा परसेंट ऊपर जाएगी, तो कुछ तो हासिल होगा। तो जिन लोगों के पास कमजोर बीटा के शेयर होते हैं, उनको क्या लगता है कि कल को अगर सिचुएशन अच्छी हुई तो कुछ तो कमाएंगे, कल को सिचुएशन बुरी हुई तो कुछ हम गवा भी देंगे। इसका मतलब ना हमें बहुत ज्यादा फायदा कभी होगा, ना हमें बहुत ज्यादा नुकसान कभी होगा। हम अपने आप को बड़ा सेफ सेफ पॉलिसी के थ्रू काम कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, वो कमजोर, वो मजबूत बीटा का शेयर खरीदते हैं। वो जानते हैं उनके साथ दो ही काम हो सकते हैं, या आर या पार। यानी कल को मार्केट बहुत फेवरेबल होगी तो वो बहुत कमाएंगे, और अगर कल को मार्केट डूब गई तो वो मार्केट से कहीं ज्यादा डूब जाएंगे, फिर उनको बचाना तक मुश्किल हो जाएगा। यानी या तो ये आकाश को छुएंगे या फिर ये पताल को छुएंगे। ऐसे हालत जिनके पास मजबूत बीटा का शेयर है, यानी सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने ही ले रखा है।
या सिचुएशन फेवरेबल हो गई तो उनकी सिचुएशन बहुत फेवरेबल हो जाएगी, एडवर्स होगी तो बहुत ज्यादा एडवर्स हो जाएगी, और जिनके पास कमजोर बीटा का शेयर है वो सेफ है, वो मार्केट में उनकी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज्यादा खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं जो कहते हैं हमारे शेयर में इतनी हलचल नहीं होती है जितनी स्टॉक मार्केट में हलचल होती रहती। और अगर आपकी कंपनी का बीटा है 1, इसका मतलब आप मार्केट के हिसाब से उसके बहाव में चलते रहते हैं, जिस तरह मार्केट गई आप भी उसी तरह चले गए। मार्केट का इंडेक्स बढ़ा 10%, आपका इंडेक्स बढ़ा 10%, मार्केट का इंडेक्स गिरा 1%, आपका इंडेक्स गिरा 1%। जैसे मैं कह रहा था कि अगर सभी स्टूडेंट जो क्लास में हैं एवरेज मार्क्स हैं 65%, तो क्लास में कोई एक स्टूडेंट तो होगा कि उसके भी 65% मार्क्स ही होंगे, तो इसका मतलब वो एवरेज को रिप्रेजेंट करता, उसका बीटा 1 है। इस तरीके से बात कही जा सकती। आप आगे लिखिएगा, इफ बीटा इज नॉट गिवन, इफ बीटा इज नॉट गिवन इट मे बी कंप्यूटेड, इट मे बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम है कि आपको बीटा ना दिया जाए, क्योंकि हमारा काम बीटा कैलकुलेट करने का नहीं, हम तो बस इसको एनालाइज ही कर सकते हैं। खैर, अगर क्वेश्चन में बीटा गिवन नहीं है तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। लिखेगा बी इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ पर्टिकुलर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन। होल डिवाइडेड बाय मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला देखकर जो रही सही हिम्मत रही भी होगी वो हिम्मत भी टूट जाएगी। अगर ऐसे बीटा कैलकुलेट होता है तो बेहतर है कि हम इसे कैलकुलेट ना करें। मतलब एक तो कोरिलेशन निकालो, फिर दो जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फिर उनको मल्टीप्लाई डिवाइड भी करो, तो इतना टाइम हमारे पास तो नहीं है। मैं बताना चाहूंगा बीटा की कैलकुलेशन जो है वो सेबी की तरफ से करी जाती है, और वो क्या करते हैं कि अखबार में हर रोज छाप देते हैं जी इस कंपनी का ये बीटा, जिसको जो फैसला लेना ले लो, इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। सेबी भी कहां मेहनत करती है, उन्होंने भी क्या कंप्यूटर में एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन खुद ही हो जाती, उन्होंने भी एक बार मेहनत करी है, उसका बीटा की कैलकुलेशन अपने आप ही निकलकर बाहर आ जाती, तो मेहनत कोई भी नहीं कर रहा है। इसलिए आप बिना, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप ये सब कैलकुलेट करोगे। स्टेटिस्टिक्स ऑनर्स वाले भी मेरे ख्याल से ये सब नहीं करते होंगे, तो कोरिलेशन निकालो बताओ। ये तो वैसे ही हमें इसकी तो हमें शक्ल देख के नफरत है कोरिलेशन की, इसका इतना बड़ा फार्मूला होता है तो उसकी शक्ल देखकर ही हमें बड़ा अजीब सा लगने लगता है कि क्या है ये फार्मूला। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोरिलेशन एक स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई दूसरे से डिवाइड हो, तो मतलब किसी को अगर डराना हो ना तो इस तरीके के फार्मूले बना दो। खैर चलिए, मैंने आपको बीटा कैलकुलेट करने का फार्मूला बता दिया है, बाकी आपकी अपनी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, दिस इज ऑन पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 21। रिस्क फ्री रिटर्न इज 8%, मार्केट रिटर्न इज 20%, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ बीटा इज 0, 0.5, 1 and 2। पहला काम आप ये करिएगा, आप लिखिएगा आर एफ इज इक्वल टू
8% or M is equal to 20%. आप स्टॉक मार्केट नहीं भी गए तो भी आप 8% कमाएंगे, स्टॉक मार्केट में गए तो आप 20% कमाएंगे। स्टॉक मार्केट जाने का एक्स्ट्रा बेनिफिट 12% हो सकता है, हो सकता है। केस वन के ब्रैकेट में लिखेगा बीटा इज इक्वल टू जीरो, केस वन लिखेगा बी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में लिखा ना कि बीटा जीरो भी हो सकता। अगर आपके पास ऐसी कंपनी का शेयर है तो फिर आप कितने परसेंटेज इनकम अर्न कर रहे हैं? चलिए आरएफ लिखेगा 8%, बीटा लिखेगा 0 और आरएम माइनस आरएफ यानी रिस्क फ्री प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, दिस इज 12%। क्या आंसर आ गया? 8%। हम इसका क्या मतलब निकाले? आपने ऐसी कंपनी का शेयर खरीदा जो आपको वही इनकम दे रही है जो आपको बैंक से या पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकता था। ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली जो गिल्ट फंड होते हैं, वो जो खाली डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, ऐसी फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो शेयर होल्डर को वही कमा के देती हैं जो कि डेप्ट इन्वेस्टमेंट से खुद भी कमाया जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज उनमें नहीं होता। अब आप लिखेगा केस टू, केस टू के ब्रैकेट में लिखेगा बीटा इज इक्वल टू 0.5 और ध्यान रखिए 0.5 का मतलब होता है 50%। आरएफ लिखेगा 8%, बीटा लिखेगा 0.5, 12%। ओके, दिस इज 8% प्लस 6%, द आंसर इज 14%। अब जरा बात को समझे, आप बार बार कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हम इसलिए है क्योंकि हम 12% एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, पर एक्स्ट्रा कमाना इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जिस कंपनी का शेयर खरीदा है उसका बीटा कितना है। अगर बीटा 0.5 है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की 50% पावर है। आप इतनी अच्छी कंपनी भी रिकॉग्नाइज नहीं करे जाते, मार्केट के कंपैरिजन में आपका जो स्टेटस है ना वो आधा है। आपके अंदर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की आधी पावर है, इसलिए आप 12% नहीं उसका आधा, सिर्फ 6% ही एक्स्ट्रा कमा पाते हैं। केस थ्री, ब्रैकेट में लिखेगा बीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 8% प्लस 12%, द आंसर इज 20%। वन का मतलब होता है 100%, यानी आपके अंदर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की 100% पावर है। और लास्ट में लिखेगा केस फोर, बीटा इज इक्वल टू 2, इसका मतलब आपके अंदर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की डबल पावर है, 32%। यस, 32%। अब आप बीटा की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं?
बीटा बेसिकली एक मेजरमेंट है जो ये बताना चाहता है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की कितनी पावर है, ठीक है ना। टू का मतलब हो गया डबल, वन का मतलब हो गया 100%, 0.5 का मतलब हो गया 50%। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देने के बाद आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आइएगा। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग। रिस्क फ्री रिटर्न 10%, मार्केट रिटर्न 25%, इक्विटी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.30, मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5। इस क्वेश्चन में बीटा गिवन नहीं है, पर हमें कोई शिकायत भी नहीं। अगर आप इतनी क्लियर कट इंफॉर्मेशन दोगे तो हम इस सिचुएशन को मैनेज करने की काबिलियत रखते। बस ऐसे लिख देना ये कोरिलेशन है, ये स्टैंडर्ड है, हम पुट करके तो आंसर निकाल देंगे, इससे आगे मेहनत नहीं कर सकते। तो पहला काम ये करेगा, बीटा का फॉर्मूला लिखेगा, बीटा का फॉर्मूला लिखे कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद पर्टिकुलर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, अब इसके अंदर जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आप उसे पुट कर दीजिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है 0.5, पर्टिकुलर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, हां जी आपने बीटा कैलकुलेट कर लिया है 1। तो मैं आपको कह रहा था कि अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम बड़े आराम से बीटा कैलकुलेट कर सकते, इसके आगे हम नहीं जा सकते। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अब कैलकुलेट करने की हमारे अंदर काबिलियत रही भी नहीं, वो पुरानी गलियां थी जो हम छोड़ा है ना, अब हम वो काम नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन आप मेरे ख्याल से अब हमारा कोरिलेशन कैलकुलेट करने का मन भी नहीं करेगा, नहीं वो पुरानी बात हो। चलिए आपने बीटा कैलकुलेट कर लिया है, अब क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है। यस प्लीज, चलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें सीएपीएम के हिसाब से। आप फॉर्मूला लिखेगा आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। बताइए क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न कितना दे रखा है, 10%। अच्छा बीटा आपने कितना कैलकुलेट कर लिया है 1, मार्केट रिटर्न कितना है 25%, रिस्क फ्री रिटर्न 10%। आंसर, अच्छा आंसर 25% आना भी चाहिए था। अगर आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदोगे जिसका बीटा 1 है, इसका मतलब आप वही कमाओगे जो स्टॉक मार्केट में एवरेज इन्वेस्टर कमा रहा है, यानी 25%। ठीक बात है, चलिए ये कैलकुलेशन अपने को समझ में आ गई। अब आप आइएगा पिछले पेज पर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आइए। द बीटा ऑफ ए कंपनी इज 1.2, ग्रोथ रेट इज 5%, लास्ट डिविडेंड पेड वॉज रुपीज 3 पर शेयर, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 10%, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%,
करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज रुपीज 31. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच एंड CAPM. तो आप एक काम करेगा, पहले आप लिखेगा डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच. लिखिएगा डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच. डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच जो हम इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फार्मूला D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट. ठीक है? हां, तो बताइए क्वेश्चन में मार्केट प्राइस कितना गिवन है? ग्रोथ रेट क्वेश्चन में कितनी गिवन है? ग्रोथ रेट क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5%. D1, ये क्वेश्चन में जो ₹3 दे रखा है ये क्या है? ये तो पिछला डिविडेंड है, हम तो अगला डिविडेंड जानना चाहते हैं. तो बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लिखना है? दोबारा बोली. ओके, 15.16%. अच्छा, CAPM के हिसाब से बताइए कि इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट करी जाए. RF प्लस बीटा, RM माइनस RF. रिस्क फ्री रिटर्न, जैसे क्वेश्चन है का रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इज 10%. बीटा इज गिवन टू अस 1.2. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 15%. क्या आंसर आ गया? 16%. ठीक बात है? डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच का आंसर कुछ और है, CAPM का आंसर कुछ और है. हमने ऐसा कोई दावा कभी नहीं करा कि दोनों आंसर सेम आते. दो अलग अलग ओपिनियन है, दो अलग अलग आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमने दिया. अब आप आइएगा पेज नंबर 47 पर. प्लीज कम टू पेज नंबर 47. ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28. एबीसी लिमिटेड हैज फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर. इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10.5%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9.5%, डिवेंचर्स 8.5%, टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द डिवेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एंड आर कोटिंग एट रुपीज 981.05 पर डिवेंचर. एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट 35%. करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज रुपीज 60. प्रीवेलिंग रिस्क फ्री रिटर्न इज 5.5%. एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%. बीटा इज 1.1875. प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ द कंपनी रिडीमेबल आफ्टर 5 years, करंटली सेलिंग एट रुपीज 98.15 पर प्रेफरेंस शेयर. कैलकुलेट नंबर वन, रिक्वायर्ड नंबर वन, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू रेट्स. लिखेगा नंबर वन. नंबर वन की हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ WACC
computation of WACC using market value weights. वैसे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता तब भी हमें मार्केट वैल्यू वेट ही लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि चूंकि मार्केट वैल्यू वेट लिया जा रहा है तो रिजर्व्स के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप उसे कंसीडर नहीं करना चाहते हैं, यह आंसर देने का मेथड नंबर वन है। मेथड नंबर वन में आपको यही बताया गया है कि आप रिजर्व्स को इग्नोर कर सकते हैं अगर मार्केट वैल्यू वेट आपको लेने हैं तो, आप कंसीडर भी कर सकते हैं पर मेरे ख्याल से वो बात हमने पहले कभी करी थी। आप सोर्स में पहले लिखेंगे इक्विटी कैपिटल, फिर आप लिखेंगे कैपिटल, उसके बाद आप लिखना चाहेंगे डिवेंचर्स, और डिवेंचर्स लिखने के बाद आप लास्ट में लिखना चाहेंगे टर्म लोन। ठीक है ना? चलिए आइए मार्केट वैल्यूज पता कर लेते हैं। वैसे सभी इक्विटी शेयर्स की बुक वैल्यू कितनी है? 1500 मिलियन। एक इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू 10 रुपए, एक इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 60 रुपए, सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू 9000 मिलियंस। इसको हम यहां पर लिख लें, मिलियंस प्रेफरेंस कैपिटल, सभी प्रेफरेंस शेयर्स की बुक वैल्यू 100 मिलियन, एक प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू 100 रुपए, एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 98.15, सभी प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 98.15 मिलियन। सभी डिवेंचर्स की बुक वैल्यू 1500 मिलियन, एक डिवेंचर की बुक वैल्यू 1000 रुपए, एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 981.05, सभी डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू 1471.575 मिलियन। ठीक है, इसको आप यहां पर लिख लीजिए। अच्छा, टर्म लोन की तो कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं भाई, वो तो आप एज इट इज उठा लीजिए 500 मिलियन। मार्केट वैल्यू का टोटल कितना? 1106.9725 मिलियन।
ये जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसमें से इक्विटी की 9000 मिलियन है, तो आप मुझे इक्विटी का वेट परसेंटेज में बताएं तो 81.30%। प्रेफरेंस का वेट अगर आप बताएं तो 0.89%। डिबेंचर्स 13.29%, 4.52%, और टोटल हो गया 100%। चलिए यहां तक तो कैलकुलेशन हो चुकी है, अब अगर इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाए तो WACC समझो कैलकुलेट हो ही गया। चलिए आइए, पहले हम लिखना चाहेंगे KE। देखो जी, अब ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तय करेगी, अगर तो डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम D1 बाई MP प्लस G का फॉर्मूला लगाने को तैयार है, पर अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम तो जबरदस्ती फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से हमें CAPM का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही खाली उसी की दे रखी, बताइए रिस्क फ्री रिटर्न आपको कितना दे रखा है, 5.5%। बीटा आपको कितना दे रखा है, 1.1875। और ये आपको 8% क्या दे रखा है, ये है मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये प्रीमियम है यानी ये RM माइनस RF आपको सीधा ही दे रखा है। चले इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन आपने पता करी 15%, अब क्वेश्चन में प्रेफरेंस की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, रेट ऑफ डिविडेंड है 10.5%, 100 रुपए 10.5%, तो 10.5 रुपए का ही डिविडेंड हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि हम प्रेफरेंस शेयर को 5 साल के बाद रिडीम करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमने इसको फेस वैल्यू पर ही रिडीम करना है, लेकिन आज इसका मार्केट प्राइस है 98.15। ओके, 10.97%। आपने लिखा 10.97%, फिर आप एक काम करेगा, आप लिखेगा KD और ब्रैकेट्स में लिखेगा टर्म लोन। ये जो आपने टर्म लोन ले रखा है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8.5%, और टैक्स का रेट कितना है, 35%।
तो आफ्टर टैक्स सेविंग कितना लिखा जाए? 5.5 to 5%. अब बस आपको डिबेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, डिबेंचर्स की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप फॉर्मूला लिखिएगा, इंटरेस्ट 1 - tax rate प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। ओके, फेस वैल्यू है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%, 1000 9.5% इंटरेस्ट आप देंगे 95, 35% टैक्स सेव किया जाए। डिवेंचर आप रिडीम करें 3 साल के बाद फेस वैल्यू पर, आज मार्केट प्राइस है 981.05। कितना बताते? 6.87% 6.87% यहां पर लिखा गया है। WACC 13.46%। आपने बताया WACC 13.46%। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को डील किया जा चुका है। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ा जाए। define marginal cost of capital schedule। तो हमें यहीं से मालूम चल जाना चाहिए, क्या आप नए प्रोजेक्ट पर सवाल पूछोगे और नए प्रोजेक्ट पर जो सवाल होगा उसमें मार्केट वैल्यू वेट नहीं हो सकता है। Define marginal cost of capital schedule for the firm if it raises ₹750 million for a new project. The firm plans to have target debt to value ratio of 20%. इसका मतलब क्या हुआ? Debt to value ratio, अगर total value 100 है तो debt 20% है, जितने भी रुपए आप अरेंज करें उसमें 20% debt financed होने चाहिए। ठीक बात है। बीटा इज 1.4375। डेट कैपिटल विल बी रेज थ्रू टर्म लोन, इट विल कैरी इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% फॉर फर्स्ट 100 मिलियन एंड 10% फॉर नेक्स्ट 50 मिलियन। आपकी तरफ से हेडिंग होनी चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप कॉलम से बना लीजिएगा, सबसे पहले सोर्स, फिर वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में WMCC।
हाँ तो पहली लाइन में लिखा है कि आपको नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 750 मिलियन। आप कह रहे हैं कि आपको 20% डेप्ट फाइनेंसिंग करवानी है, इसका मतलब आपको 80% इक्विटी फाइनेंसिंग करवानी है। इक्विटी फाइनेंसिंग यानी कितने रुपए? 600 मिलियन, ठीक है ना। बाकी आपको डेप्ट फाइनेंसिंग से कितने चाहिए? 150 मिलियन। 150 मिलियन, 750 मिलियन का 20% ही तो होता है, तो आपको 150 मिलियन चाहिए डेप्ट फाइनेंसिंग से। क्वेश्चन कहता है उसमें से जो पहले 100 मिलियन होंगे वो तो 9.5% के रेट पर लिए जाएंगे, और जो बाकी के 50 मिलियन होंगे वो 10% के रेट पर लिए जाएंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन एकदम क्लियरली ये बात कह रहा है, पहला 100 मिलियन तो 9.5% के रेट पर आ जाएगा। खैर अब ये बताइए 100 मिलियन 750 मिलियन का वेट, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पता करी जाए, रिस्क फ्री रिटर्न है 5.5%, और ये जो आप नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका खुद का बीटा कितना है? 1.4375। और मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है? तो 17% लिखा जाए। अच्छा अब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5%, पर इसके ऊपर 35% टैक्स एडवांटेज अगर लिया जाए तो आफ्टर टैक्स ओके 6.175%। तो इसके ऊपर हो गया 6.5%, 6.5% यहां लिखा जाए। WMCC कितना गया? तो ये तय हो गया कि अगर नए प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल बनना है तो उसे कम से कम 14.86% तो अर्न करना ही होगा। आइए हम इस बात को लिख लेते हैं। हेंस द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट, द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट मस्ट यील्ड, द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट मस्ट यील्ड 14.86% इन ऑर्डर टू बी फाइनेंशियली वायबल। ठीक बात है। रिमेनिंग क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जाए, 4, 6, 7, 9, 16,
18 बचा हुआ अभी, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू हो गया, 23 बचा है, 24, 25, 26, 27. ट्वेंटी नाइन थर्टी ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चलिए आज की क्लास कंप्लीट करते हैं।